नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ अरिंदम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। गुरुग्राम में छठ महोत्सव में शिरकत कर मुख्यमंत्री ने की सूर्य भगवान की पूजा। छठ पूजा के लिए अलग से घाट बनाने की घोषणा। अगली बार से सार्वजनिक छुट्टी का भी हो रहेगा प्रावधान। सीएम ने कहा कि छठ पूजा के नाम से कोई घाट नहीं है, कोई ऐसा स्थान जहाँ पानी हो। उन्होंने कहा है कि अगले साल एक स्थान पर छठ पूजा के लिए एक घाट बनवाया जाएगा। सीएम ने संबोधन के दौरान कहा कि हरियाणा में बाहर से आने वाले 5 साल तक अगर कोई आकर रहता है तो उसे हरियाणा का पहचान पत्र देते हैं। बल्लभगढ़ के संजय कॉलोनी में छठ का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया गया। पूर्वांचल वासियों के लिए खास महत्व रखने वाले इस त्यौहार के लिए लोग कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। छठ पर्व पर व्रती रखने वाली महिलाओं और पुरुषों ने आज अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रास सरोवर तट पर परंपरागत तरीके से मनाया गया छठ। हजारों श्रद्धालुओं ने आज अस्त होते हुए सूर्य को दिया अर्घ। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला की तस्वीर बदलने के लिए अफसरों के सामने 7 सरकारों का फॉर्मूला पेश किया। इस फॉर्मूले के तहत पंचकुला को 7 जिलों से मुक्त रखने का फैसला किया गया है। इनमें शहर को अतिक्रमण, स्लेम स्टैच कैटल और स्ट्रीट लाइट जैसी कई संकल्प लिए गए। विधानसभा सचिवालय में अधिकारियों संग बैठक का ज्ञानचंद गुप्ता ने विजन पेश किया है। कहा है कि बड़ा अभियान चलाना होगा जिसमें NGO, छात्रों, शिक्षाविदी, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अभियान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को ज्यादा काम करना पड़ सकता है। बैठक के दौरान शहर में अतिक्रमण ना हटाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। सोनीपत के चौथी शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इसकी शुरुआत की। इस बीच मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि देश भर में हरियाणा गन्ने का रेट देने में अव्वल रहा है और पंजाब में रेट बढ़ाने के बावजूद भी हरियाणा अव्वल नंबर पर रहेगा। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। इस दौरान सरकार 2 एकड़ तक किसानों की बीमा किस्त भरेगी। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि शुगर मिल पर किसी किसान का बकाया नहीं है। 5 जुलाई को सभी 11 शुगर मिल के किसानों की पेमेंट का भुगतान किया था। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पिछले सीजन में किसी भी किसान को आपत्ति नहीं आई थी और इस बार भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर अहम बैठक काफी हंगामेदार रही है। बैठक के दौरान चरूनी और टिकेत समर्थन हूटिंग करते हुए नजर आए। चरूनी गुट के समर्थकों ने लगातार दिल्ली कूच को लेकर नारेबाजी की, तो वही बैठक में फैसला लिया गया है कि 23 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक सभी मोर्चे पर किसानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 29 नवंबर को 500-500 किसानों के जत्थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रोजाना दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जहां पर रास्ते खुले हैं वहां किसान आकर इकट्ठा होंगे। रेवाड़ी में रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ से किलोई में दिए गए विवादित बयान पर किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगने पर विधानसभा कोसनी से के किसी भी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। प्रदेश में DAP खाद की किल्लत को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री OP यादव ने कहा है कि ये 1 महीने पहले खरीद की दिक्कत थी, अब किसानों को नहीं होगी कोई भी परेशानी। 19 कि सरसों और अन्य फसलों की बिजाई हो चुकी है और अब गेहूं की बिजाई बाकी है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब किसानों को खाद की कोई भी किल्लत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसानों से मसले का हल निकालने के लिए बातचीत चल रही है। उम्मीद यही है कि बातचीत के जरिए किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। हाथी लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना 3रे दिन भी जारी रहा। धरने के 3रे दिन में महन के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडी अपने समर्थन देने धरनास्थल पर पहुंचे। बराज कुंडी ने मंच से किसान नेताओं पर हमला बोला। किसान नेता अपनी अपनी राजनीति पर राजनीति चमकाते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति चमकाने के चक्र में किसानों की आवाज दब कर रह गई है। विधायक बलराज कुंडी ने किसान कुलदीप की पत्नी को धर्म बहन बनाया है और 2 लाख की आर्थिक सहायता दी। जब तक कुलदीप ठीक नहीं हो जाता तब तक 10,000 रुपये हर महीने बच्चों की पढ़ाई के लिए देने की घोषणा की। सिरसा में जनता भवन रोड स्थित अनाज मंडी में धान की आवक जोरों पर है। शेड के बाद अब सड़कों पर धान की ढेरियां लगाई गई है। मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को और आम लोगों को अब राहत मिलेगी।
प्रदेश में डीएपी खाद की भारी कमी के कारण भवानीखेड़ा अनाज मंडी स्थित डी भवानीखेड़ा कॉरपोरेशन मार्केटिंग सोसाइटी में डीएपी खाद के बाद अब यूरिया खाद की किल्लत सामने आई। किसानों का कहना है कि हर रोज खाद के लिए अनाज मंडी का चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन खाद नहीं मिलने से संबंधित समस्याओं पर अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बुधवार को रादौर में जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता के अंत्योदय सरल केंद्र और तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सबसे पहले जिला उपायुक्त अंत्योदय सरल केंद्र में पहुंचे और वहां किए जा रहे कामकाज को लेकर चेक किया। केथल में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने राज कमेटी के आह्वान पर बिजली वितरण निगम के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के विभाग में क्लर्क के पदों की भर्ती कर दी है, उसके बावजूद टेक्निकल स्टाफ के लोग ऑफिसर में क्लर्क के पद पर बैठे हैं। रादौर के कांजू गांव में ग्रामीण की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में मसाले की फैक्ट्री के बहाने बचूरखाना खोला गया। कंजून के पर्व सरपंच पवन कुमार ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री मालिक द्वारा यहां मसाला फैक्ट्री खोलने का हवाला देकर भूमि मालिक ने जमीन खरीदी थी, लेकिन अब यहां पर बूचड़खाना फैक्ट्री लगाई जा रही है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ ने ऐलान किया है कि अगर विभाग के आला अधिकारी और सरकार ने उनकी 31 सूत्री मांगों पर विचार नहीं किया तो वो धरना जारी रखेंगे। प्रदर्शन भर में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्प यूनियन की महिलाएं जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कैथल में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स पर हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जब तक कर्मचारी नहीं बनाया जाता है तब तक न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये लागू किया जाए। उनका कहना है कि विभाग की तरफ से बिना फोन और अन्य संसाधन दिए वर्कर्स पर ऑनलाइन काम का दबाव बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से सितंबर 2018 में की गई वर्कर्स और हेल्पर्स की 1500 एवं 750 रुपये की बढ़ोतरी को एरिया समेत दिया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स को 5 लाख और हेल्पर्स को 3 लाख रुपये रिटायरमेंट लाभ दिया जाएगा। फतेहाबाद के भट्टू पुलिस स्टेशन ने देश भर के सर्वश्रेष्ठ थानों में तीसरा स्थान हासिल किया है। थाना पारंग में बेहतरीन सफाई व्यवस्था से लेकर काम क्राइम के आधार पर ये उपलब्धि हासिल की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश का कोई थाना टॉप नंबर पर रहा है। पिछली बार करनाल जिले का तरावड़ी थाना टॉप नंबर पर था। इस उपलब्धि के लिए थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुग को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में 19 नवंबर को सम्मानित करेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में करीब 1.5 साल से आग बुझाने के षड्यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। वही आग बुझाने के एक्सपायर षड्यंत्र नहीं बदलने से अधिकारी की लापरवाही भी सामने आई। उत्तर भारत का प्रसिद्ध छठ पर्व आरंभ हो चुका है। यमुनानगर जिला प्रशासन ने छठ पर्व को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की। नूह जिला मुख्यालय पर सामान्य बस स्टैंड पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने डिजिटल प्रदर्शनी का जिला उपायुक्त कैप्टन सिंह ने अवलोकन किया। शहर के सामान्य बस स्टैंड पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 साल पूरे होने पर स्वतंत्र संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी में सार्थक संदेश के साथ आमजन को जागरूक किया जा रहा है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने अवलोकन करते हुए उपरांत कहा है कि भारत का आज़ादी दिलवाने के लिए 1857 की क्रांति का सबसे अहम योगदान था, जिसमें हरियाणा वासियों ने अपनी अतुलनीय भागीदारी निभाई। रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति पर फर्जी तरीके से डिग्री हासिल कर वीसी पद पर बैठने का आरोप लगा हुआ है। ये आरोप जेजीपी के छात्र इकाई इनोसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। प्रदीप देशवाल का कहना है कि एनजीयू के वाइस चांसलर ने जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री साल 2002 में की थी, जबकि इसी विषय में पीएचडी साल 1999 में की। उन्होंने हरियाणा सरकार में डीपीआरओ के पद पर रहते हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का टीचिंग अनुभव का सर्टिफिकेट भी बनवाया है। फर्जी तरीके से वीसी की नियुक्ति की गई है। तो सरकार से मांग है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और तुरंत प्रभाव से उन्हें वाइस चांसलर के पद से हटाया जाए। फरीदाबाद में बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स को रोकने के लिए नगर निगम ने 160 टीमों का गठन किया। टीम शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़ा कचरे को जलाने वाले और दूसरे तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
फरीदाबाद में प्रदूषण की समस्या से बच्चों और बूढ़ों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। जिले के फिजिशियन मुकुल गोस्वामी ने कहा है कि धूल मिट्टी से उड़ने और कूड़ा जलाने से टॉक्सिस गैस निकलती है जो फेफड़ों के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकती है। गुरुग्राम की जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। AQI लेवल 500 से घटकर 320 पर पहुंच चुका है। गुरुग्राम में प्रशासन की तरफ से शहर में 65 एयर प्यूरिफायर लगाए गए थे जो कारगर साबित हो रहे हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की गुणवत्ता अभी भी खराब बनी हुई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 के पार। फरीदाबाद में बड़खल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3 नंबर सी ब्लॉक इलाके में लोग पिछले 3 महीने से घर में सीवेज के गंदे पानी की वजह से परेशान हैं। फरीदाबाद सेक्टर 12 जिला उपायुक्त कार्यालय पर आंगनबाड़ी वर्कर महिलाओं ने जाम लगाकर विरोध जाहिर किया। आंगनबाड़ी वर्कर का कहना है कि सरकार पोषण ट्रैकर को लेकर उन पर कुछ ज्यादा ही दबाव बना रही है और सरकार ने इस काम के लिए उन्हें मोबाइल फोन तक भी प्रोवाइड नहीं करवाया है। गुरुग्राम के DLF फेज 3 में हुड्डा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिले के बेशकीमती जमीन को हुड्डा विभाग ने अतिक्रमण मुक्त कराया। बेशकीमती जमीन पर भूमाफियों ने करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा किया था जो कि अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को कब्जे से मुक्त कर दिया गया है। हिसार में CM फ्लाइंग टीम ने रेड मारकर अवैध घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर की सूचना पर CM फ्लाइंग टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फ्लाइंग टीम ने चेकिंग पर 71 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। टीम के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। फरीदाबाद के DLF क्षेत्र में अचानक ट्रांसफार्मर में चिंगारी और 5 के 7 दुकानों को आग की चपेट में ले ली। 5 बाइक भी जलकर खाक हो चुकी हैं। वह स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी और मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चरखी दादरी के लोहारू रोड से गुजरते हुए एक ट्रैक्टर अचानक से असंतुलित होकर पलट गया जिस पर सवार 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। फरीदाबाद नीलम बाटा रोड स्थित एक रेहड़ी पर बिरयानी खाने आए 2 युवकों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मौके से फरार हो गए। वही सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर इलाज जारी है। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर एक किसान ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक किसान 3 कृषि कानूनों के समाधान नहीं होने पर परेशान था, इसीलिए उसने आत्महत्या की। सोनीपत के गांव सेरसा से एक बच्चे का अपहरण कर भागे दंपति को CIA 2 की टीम ने कुंडली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से बच्चों को सकुशल बरामद किया है। आरोपी दंपति को कोई संतान नहीं था, इसीलिए उसने इसका अंजाम दिया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में नशीली वस्तुओं की होली जलाई गई है। अंबाला रेंज के IG भारती अरोड़ा की निगरानी में कुरुक्षेत्र यमुनानगर अंबाला जिले में 64 मामलों में जब्त किए गए नशीली पदार्थों को आग के हवाले किया गया। IG भारती अरोड़ा ने कहा है कि न्यायालय के निर्देशानुसार 30 किलो 260 ग्राम चूरा पोस्ट, 713 ग्राम स्मैक और 2 क्विंटल 82 किलो गांजा बरामद किया गया। फतेहाबाद पुलिस ने रिफाइनरी की तेल पाइपलाइन तोड़कर 8000 लीटर तेल चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइबर सिटी के बादशाहपुर इलाके में एक युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों पर रेप, हत्या और लूट के कई मामले दर्ज है। शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में तीनों भाइयों ने मिलकर युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। चरखी दादरी के आदमपुर ढाणी में एक बुजुर्ग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट। झज्जर के एक गांव में एक व्यक्ति को मकान के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तारों ने अपनी चपेट में लिया जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। पानीपत के समलाखा कोर्ट में कार्यरत कर्मचारी की ड्यूटी से लौटते वक्त सड़क हादसे में मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंपा। गुहाना जिंद रोड पर गांव बुटाना के पास सड़क पार करते समय ट्रॉला चालक और परिचालक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। भिवानी में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार राज सिंह से पूछताछ जारी है।
हांसी में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बेसहारा पशु आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। वही प्रशासन की ओर से शहर को बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। शहर की जैन गली में जैन साध्वी आस्था प्रभा को एक गाय ने अपने पैरों तले बुरी तरह से रौंद डाला है। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद गाय को भगाया। केरल में कोरोना वायरस ने फिर दस्तक दे दी। जिले में 27 दिन बाद दो नए केस सामने आए। केरल में कोरोना के दो नए केस सामने आए। एक मरीज की मौत हो गई, जबकि कोरोना से जंग जारी है। केरल में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11,246 के पार, जिसमें 347 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 11,000 से भी ज्यादा रिकवरी हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के समक्षकों के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों ही बैठकों में सुरक्षा संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की गई। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में उगाई और जाली नोट का कारोबार चल रहा था। टी20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। 17 नवंबर से शुरू होने वाली टी20 सीरीज में रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। विराट कोहली समेत कुल तीन खिलाड़ियों को आराम दिया गया है टी20 टीम में। हार्दिक पांड्या का चयन नहीं हुआ है। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर वन आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेम पुष्पा। गुरुग्राम में छठ महोत्सव में शिरकत कर मुख्यमंत्री ने की सूर्य भगवान की पूजा। छठ पूजा के लिए अलग से घाट बनाने की घोषणा। अगली बार से सार्वजनिक छुट्टी का भी रहेगा प्रावधान। घोटालेबाजों पर कार्रवाई की तैयारी। फरीदाबाद और पंचकुला निगम में हुए घोटाले की जांच करेगी विजिलेंस। फरीदाबाद में बिना काम के ठेकेदारों को किया भुगतान। पंचकुला में कचरा निस्तारण के नाम पर हुआ घोटाला। संसद सत्र से पहले महंगाई के मुद्दे पर 15 दिन का जन जागरण आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस। 14 से 29 नवंबर तक गाँव गाँव पदयात्रा निकालेंगे कार्यकर्ता। नारनौद में प्रदर्शनकारियों पर 10 मुकदमे वापस लेने की मांग। हालसी लघु सचिवालय के बाहर तीसरे दिन भी धरना जारी। महम विधायक बलराजपुर ने दिया समर्थन।